ये योगी है योगी। एक बार का तमाचा पड़ गया ना किसी पर, वो जिंदा नहीं रह सकता। कि हम लखनऊ जाएंगे और यूपी से बीजेपी को उड़ाएंगे। इन्होंने समझा लखनऊ और दिल्ली एक ही है, वहां भी कोई दूसरा लल्लू पंजू केजरीवाल जैसा बंदा बैठा होगा, तो कह दिया जोश में आकर के। पर इन्हें नहीं मालूम कि वहां तो योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, जिनसे तो बड़े बड़े महारथी योद्धाओं के योद्धा मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग थर्राते हैं, कांपते हैं। मुलायम सिंह की गिग्गी खत्म कर दी उन्होंने, अखिलेश चुप होकर बैठ गए हैं, मायावती कुछ बोल नहीं पा रही है। वो कहाँ बर्दाश्त करने वाले ऐसे लल्लू पंजू राकेश टिकैत जैसे लोगों को, ऐसे उनके सामने हजारों आते हजारों गए। उन्होंने कहा राकेश टिकैत जी आप आइए, आप किसान हैं, यू आर वेलकम। हमारे राज्य में किसान आता है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको वेलकम करें, उसका अभिनंदन करें, हम आपका अभिनंदन करेंगे, आइए। पर अगर आपने कोई कानून का उल्लंघन किया तो साहब आपका जो अभिनंदन होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि वो दुबे साहब थे ना हमारे। एक भगवाधारी ने आकर के पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रखा है, सब लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, वाह रे योगी वाह रे योगी वाह रे योगी। राकेश टिकैत जी होश में आओ, आपके दिन लद गए हैं। अब यहाँ पे राकेश अस्थाना है, वहाँ योगी आदित्यनाथ है, किस किस से बचोगे? आज मैं आपको राकेश डकैत, मैं उसको डकैत बोलता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ उन पर। ये राकेश नाम है, टिकैत जो है एक ओधा होता है जो कि उसके पास नहीं है बल्कि उसके नरेश के पास है। नरेश टिकैत तो ठीक है, राकेश टिकैत गलत है। ही इज नॉट हेडिंग द मोमेंट स्टार्टेड बाई हिज फादर, ही इज सिंपली ए स्पोक्समैन, नाउ ही इज एक्टिंग एज ए हेड ऑफ द भारत किसान यूनियन मोमेंट। ये किसान आंदोलन क्या है? अगर ये जायज होता तो क्या 9 महीने तक चलता और 9 महीने के बाद भी कोई इसकी आउटपुट नहीं है? अरे 9 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है इस दुनिया में, एक नई जनरेशन आ जाती है। और राकेश टिकैत जी आपकी इतनी पावर नहीं है कि आप 9 महीने में सरकार को ये मना सकें, ये बता सकें साहब इस कानून में ये गलतियां हैं इसलिए किसान विरोधी है, आप कृपया इसको हटा दें या इसे ठीक कर दें, इतनी आपके अंदर लाए वो कैपेसिटी नहीं है, है? कहने को तो आप पूरे किसान पूरे देश के किसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर आपके बॉर्डर पे तो मुश्किल से 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर भी हर एक को अगर हम देखें तो आधे तो ऐसे हैं जो किसान ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसानों से, और जो 50% बच गए हैं उसमें 30% तो वो हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, वो तड़फ रहे हैं बिन जल मछली जैसे तड़पती है, जब मछली को निकाल के पानी से बाहर फेंक दिया जाता है मिट्टी पर तड़पती है, उसी तरह वो कमीशन एजेंट दलाल तड़फ रहे हैं, या वो लोग हैं जो बाहर से सामान ला ला करके फर्जी सर्टिफिकेट बेचा करते थे, अपने आप को किसान दिखाया करते थे, उसके ऊपर इनकम टैक्स की चोरी किया करते थे। तो ये जो मुहिम चला रखी है ये किसान आंदोलन नहीं है, ना शुरू में था ना बीच में था ना आज था। शुरू में खालिस्तानी मूवमेंट था सपोर्टेड बाय लेफ्टिस्ट एंड बाय द इस्लामिक फोर्सेस, उसके बाद में साहब एंटी नेशनल बीच में घुस के जिन्होंने हमारे देश का झंडा निकाल के फेंक दिया और एक शाह निशान जो होता है उसका झंडा गाड़ दिया, जैसे कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है और उसे खालिस्तान बना दिया हिंदुस्तान की जगह पर। और ये जो किसान टिकैत है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं जिसके अंदर एंटी नेशनल भी हैं, देशद्रोही ताकतें हैं उसके अंदर चाइना के सपोर्टर हैं, जो खुलकर भी चाइना ने इतना हमारे साथ बुरा किया उसके बाद भी उसके सपोर्टर हैं, उसके गुण गाते हैं। अभी जो उनका 100वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा था कम्युनिस्ट पार्टी जो थी चाइना के उसका, उसके अंदर बैठ के तालियां बजा रहे थे, वही लोग इसके अंदर हैं।
इस्लामिक जो कट्टर हैं वो इसके अंदर हैं, खालिस्तानी इसमें, एंटी नेशनलिस्ट में हैं, और जेन्युइन किसान तोबा तोबा एक भी नज़र नहीं आएगा। अरे भैया टिकैत साहब, अगर आपने पॉपुलैरिटी ही करनी है, अपनी प्रसिद्धि ही करनी, क्योंकि मुझे पता है आपने एमपी का इलेक्शन लड़ना है, एमए का इलेक्शन तो आप हार ही गए, अब एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, भगवान करे आप जरूर जीतो, चाहे -100 वोटों से जीतो, पर जीतोगे जरूर। ठीक है, आप खड़े भी होंगे और जीते भी होंगे, परंतु बाई मिस्टेक आर ओ उसकी जगह कह देगा इज डिफीटेड बाई सो मैनी वोट्स। तो अभी रिसेंटली धमकियां देने की, चैलेंज करने की, रगेश साहब की तो पुरानी फिकरत है, क्योंकि इनके गुरु केजरीवाल जी बैठे हैं, इनके गुरु ममता जी हैं, उन दोनों से इन्हें सीखा करो खख नहीं, धमकियां दिए जाओ, बम फोड़े जाओ, वो उसके अंदर कुछ भी ना हो ताकत। तो अभी इन्होंने एक बम फोड़ा कि हम लखनऊ जाएंगे और यूपी से बीजेपी को उड़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, इन्होंने समझा लखनऊ और दिल्ली एक ही है, वहां भी कोई दूसरा लल्लू पंजू केजरीवाल जैसा बंदा बैठा होगा, तो कह दिया जोश में आकर के। पर इन्हें नहीं मालूम कि वहां तो योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, जिनसे तो बड़े बड़े महारथी योद्धाओं के योद्धा, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग थर्राते हैं, कांपते हैं, मुलायम सिंह की गिग्गी खत्म कर दी उन्होंने, अखिलेश चुप होकर बैठ गए हैं, मायावती कुछ बोल नहीं पा रही है, वो कहाँ बर्दाश्त करने वाले ऐसे लल्लू पंजू राकेश टिकैत जैसे लोगों को, ऐसे उनके सामने हजारों आते हजारों गए। खैर एनीवे, उन्होंने कहा राकेश टिकैत जी आप आइए, आप किसान हैं, यू आर वेलकम, हमारे राज्य में किसान आता है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको वेलकम करें, उसका अभिनंदन करें, हम आपका अभिनंदन करेंगे, आइए, पर अगर आपने कोई कानून का उल्लंघन किया तो साहब आपका जो अभिनंदन होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि वो दुबे साहब थे ना हमारे, जिनके ऊपर बहुत हाहाकार मचा हुआ है कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, तो वही हाल होगा आपका, फिर लोग कहेंगे योगी जी जाट विरोधी हैं, तो योगी जी को फर्क नहीं पड़ता कोई जाट विरोधी कहे, ब्राह्मण विरोधी कहे, मुस्लिम विरोधी कहे, कुछ भी कहता रहे, क्यों, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो यूपी के हित के लिए कर रहे हैं। अगर कोई गलत आदमी आता है, कोई गलत कार्य करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, इज लायबल टू बी पनिश्ड, चाहे वो अफलातून कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे गैंगस्टर हो, कोई भी हो, उसके सामने सब बराबर हैं। ये एक पावर है जो कि ब्रह्मचारी के रूप में एक भगवाधारी के अंदर होती है। एक भगवाधारी ने आकर के पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रखा है, सब लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, वाह रे योगी, वाह रे योगी, वाह रे योगी। पहले लोग मोदी कहते हैं, घर घर मोदी, घर घर, और अब कहते हैं घर घर योगी, घर घर योगी, घर घर योगी। हमें ये देखना है कि जो भगवाधारी हैं ये एरे गेरे नहीं है, ये भीख मांगने वाले भिखारी नहीं है जैसे अंग्रेज लोग इनको बोला करते थे, जैसे कांग्रेसी इनको समझते हैं, दाना डाला चुप करा दिया, भीख दी और मुंह बंद कर दिया इनका, ये पुलिसिया ही नहीं है। कई पुलिसिया तो पैसा लेके चुप हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, ये वो है जो दृढ़ संकल्प है इनके अंदर, इनके अंदर विल पावर है कुछ करने की, इन्होंने ठानी हुई है, ये ब्रह्मचारी इन्होंने किया है। जो आदमी ब्रह्मचारी होता है उसकी विल पावर होती है, उसके अंदर शक्ति बड़ी कूट कूट कर भरी होती है, उसे आम आदमी दबा नहीं सकता। हमारे मोदी जी भी है, ये भी कुछ समय तक ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने भी तप किया है, इन्होंने भी साधना की है, ठीक वैसे ही जैसे योगी ने की है। इसीलिए कहते हैं योगी और मोदी की जोड़ी जो ऐसी है इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और अब तो तिगड़ी बन गई है, एक तरफ योगी, एक तरफ मोदी, एक तरफ अमित शाह, तीनों की तिगड़ी बन गई, जैसे होते ना हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सहार करता है, एक वो करता है, सबका पालन करता है, एक पैदा करता है, सृष्टि का रचना करता है, एक उसको सहार करता है, तीसरा उसका भरण पोषण करता है,
तो साहब मेरा कहने का मतलब ये है, राकेश टिकैत जी, आप फिश होश में घूमे हुए हो, आप सबको एक ही लाठी से हांकते हो। कभी कभी चलते चलते रास्ते में कोई ऐसा दबंग बंदा भी मिल जाता है जिसे आप समझते हो बेकार सहारा गहरा नत्थू खहरा है, पर बाद में देखते हैं अरे भैया ये तो अयोध्यनाथ है, अगर पहुंच गए तो अंदर उठा के सहारने देगा। ये खट्टर नहीं है जिसने थोड़े से बंदों को अंदर किया तो आपने शोर मचा दिया, उन्होंने बाहर कर दिया, ये वो खट्टर नहीं है, ये योगी है। योगी एक बार इसका तमाचा पड़ गया ना किसी पर, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो राकेश टिकैत जी, आपका ड्रामा बहुत हुआ, बहुत पब्लिक को आपने परेशान कर दिया, लाखों की आपने जाने ले ली, रास्ते ब्लॉक कर रखे, पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई है इस कोविड के दौरान, बेचारे अस्पताल नहीं पहुंच सके, इन सब की बद्दुआएं आपको लेके डूबेंगी। कितने जरूरी कामों जा रहे थे आपने रास्ते रोक रखे, जाने से उनको मना कर दिया, दिल्ली का कोई बंदा जाना चाहे मैक्स उसके भी रास्ते आपने बंद करवा दिए, गाजियाबाद जाना चाहे उसको भी घूम के जाना पड़ता है, आपने बहुत लोगों की बद्दुआएं ली है। यू आर ए रोग, आप सोसाइटी में एक घुण के बराबर है, कहते हैं जिस लकड़ी में घुण निकल जाती है उसको जला देनी चाहिए, इसी तरह आप भी सोसाइटी के अंदर एक घुण 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 लगी हुई हैं। आप सोसाइटी का बेटरमेंट नहीं चाहते, आप नहीं चाहते सोसाइटी आगे बढ़े, आप नहीं चाहते किसान फले फूले इस देश के अंदर। आपको पता होना चाहिए इस सरकार ने कितनी सब्सिडी सरकार किसानों को दी है, कितनी सहूलियतें किसानों को दे रहे हैं, परंतु किसानों को दे रहे हैं दोगले करप्ट बेईमान आदमियों को नहीं दे रहे, जिनके पास एक बीघा जमीन है, एक बीघा जमीन से मान लो एक टन माल निकलता है, वो बाहर से 10 टन माल लेकर 11 टन बेचते हैं, कहते हैं मैं तो किसान हूँ जी, और जो इनकम का सारा पैसा रख लेते, एक पैसा इनकम टैक्स नहीं देते, वो किसान नहीं है, वो इल्लीगल है। किसान वो है जो अपनी मेहनत की कमाई वाजिब कमाई कहता है। पहले ये जो दलाल थे ना जिनके ऊपर आप कूद रहे हैं, किसानों का पैसा लेकर के ना साल साल मजे उड़ाया करते थे, किसान को पैसे नहीं मिलते बेचारा रो रो के तड़प जाता था, खुदकशी करता था, उस समय आप सो रहे थे क्या? जितनी कैजुअल्टी हुई है, डेथ्स हुई हैं, सुसाइड्स केस हुए हैं ना, 70% सुसाइड केस किसानों के वो हैं जो कि इन दलालों के पैसा रोकने से उनके इन्होंने पैसे की कमी के कारण जाने गंवाई हैं। होश में आओ राकेश टिकैत जी, होश में आओ, आपके दिन लद गए हैं। अब यहाँ पे राकेश अस्थाना है, वहाँ योगी आदित्यनाथ है, किस किस से बचोगे, कब तक बचोगे? नमस्कार। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगे प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। धन्यवाद। जय श्री राम।